है वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो क्या आप भी अपनी फेस प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और ना जाने कई तरह के अलग अलग तरह के हैवी डॉक्टरों के पास में, जो एक्सपेंसिव जो डॉक्टर होते हैं उन लोग के पास में भी जाके आप लोग अपने फेस का ट्रीटमेंट करा करा के परेशान हो चुके हो। लेकिन मैं इस बात को साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही अलग अलग लोगों की अलग अलग फेस प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप ही समझ लिए कि आप शायद इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके फेस पे चाहे एक्ने हो सकता है, पिंपल हो सकता है या झाइयाँ आ गई हैं या वगैरह वगैरह फेस प्रॉब्लम बहुत सारी आज के समय में देखने को मिलती हैं। या तो आप अपनी फेस प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल एक्ने के वजह से ये वीडियो देख रहे हो या इन प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो, या बहुत लोग ऐसे होते हैं उनका फेस पे किसी भी तरह का ग्लो लाना चाहते हैं, स्किन वाइटनिंग करना चाहते हैं, जो फेस होता है ब्राइट करना चाहते हैं, गोरा होना चाहते हैं, जो साफ साफ भाषा में दोस्तों गोरा होना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से पूरी बारीकी से जानकारी देने वाला हूं कि आपको ऐसा कौन सा साबुन है जो इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपको ऐसे कौन से साबुन है जो मार्केट में आसानी से तो अवेलेबल तो हैं लेकिन आपको उसकी पूरी जानकारी ना होने की वजह से आप उसका एक सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। तो आपको कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर सके। जैसे कि आपको एक्ने, पिंपल्स या झाइयाँ दूर करनी है तो आप कौन सा साबुन का इस्तेमाल करेंगे, और जो लोग अपने फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं, स्किन को ब्राइट करना चाहते हैं, वो लोग कौन सा साबुन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी दी रखी है, इसलिए कृपया करके दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, भाई पहली बार इस भाई के चैनल पे आए हो तो पहली बार इस भाई के जो वीडियो को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का आइकन दिख रहा है उसे भी ऑल के नोटिफिकेशन करके अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फाइनली गाइस सबसे फर्स्ट आता है हमारा डेटॉल सॉप। डेटॉल सॉप का साबुन को आज कौन नहीं जानता, शायद ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो इस साबुन को नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ इस साबुन को हर एक इंसान जानता तो होगा लेकिन इसके बेनिफिट या जो इसके रिएक्शन है उससे हर लोग नहीं जानते हैं। इसके बेनिफिट अगर आप लोग को पता होंगे ना भाई तो आप इसके साबुन को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं अपनी फेस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब कैसे दोस्तों, अगर सिंपल सा एक उदाहरण मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखिए मोबाइल का चार्जर अगर आप खरीदते हो तो वो मोबाइल ही चार्ज करेगा आपका, ना कि आप अपने लैपटॉप को भी उससे चार्ज कर सकते हो। नहीं ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हर एक शॉप का एक अलग अलग पर्पज से बनाया हुआ है। हर एक वस्तु को ही अलग अलग पर्पज के द्वारा बनाया गया। जैसे कि डेटॉल साबुन आपको यूज करना चाहिए किन लोगों को, भाई जिन लोगों को फेस पे प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोग के फेस पे एक्ने हो चुका है, पिंपल हो चुका है, बार बार फुंसियां निकल रही हैं या बार बार छोटे छोटे जो पिंपल से निकल रहे हैं या झाइयां हैं, भाई किसी भी तरह की अगर आपको फेस प्रॉब्लम देखने को मिलती है अपने डेली रूटीन में अपने फेस पे, तो दोस्तों आपके लिए ये बेस्ट साबुन है, बेस्ट सॉप है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सिर्फ फेस प्रॉब्लम के अलावा भी जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम, जैसे कि जिन लोगों को खुजलियाँ की, इचिंग की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन में भी इस तरह का प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। दोस्तों अगर आप अपनी फेस प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं तो इस सेप का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत जल्दी बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस सॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोग को अपनी फेस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए। तो दोस्तों अब आता है सेकेंड, जो लोग अपने फेस पे ग्लो करना चाहते हैं, फेस पे ब्राइट लाना चाहते हैं, फेस को गोरा करना चाहते हैं, भाई ऐसे में आप कौन सा साबुन का इस्तेमाल करोगे। भाई इतना तो साफ क्लियर होता है कि डॉक्टर नहीं आपको साफ मना कर देगा कि ऐसा साबुन बना ही नहीं है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर भी इस साबुन को रिकमेंडेड नहीं करते हैं। लेकिन इस जो मैं आपको साबुन के बारे में बताने वाला हूँ, इस साबुन में ऐसे फेस ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो फेस को एकदम से ब्राइट कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से, भाई 18 दिनों के अंदर आपको इसका फायदा देखने को मिलना स्टार्ट हो सकता है। आप कौन सा साबुन है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये रहा आपका साबुन, वो है पियर सोप। बहुत लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा, खास करके लेडीज़ें इस साबुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। भाई आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूँ, आपके मोहल्ले पे जैसे कोई एक लड़की होती है जिसका रंग बहुत ज़्यादा डल होता है, तो भाई एकदम से कभी आपने देखा होगा उसका रंग एकदम से ब्राइट हो चुका है, तो भाई वो कोई चमत्कार नहीं हुआ उसके साथ में रातों रात, वो इन्हीं तरह के साबुन का इस्तेमाल करके अपने फेस को ब्राइट करती हैं।
आप भी अपने 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 फेस को ब्राइट कर सकते हो, स्किन में ग्लो ला सकते हो पियर साबुन का इस्तेमाल करके। भाई ये मत सोचिएगा कि मैं आप कोई भी साबुन का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट दे सकूँ इसलिए इस साबुन का रिव्यू कर रहा हूँ। इस साबुन को आपको इस्तेमाल करने से आपके फेस पर 18 दिनों के अंदर, इसका मार्जिन होता है 18 दिनों के अंदर अंदर आपको स्किन पे ग्लो लाना स्टार्ट कर देता है, आपके स्किन में एक सॉफ्टनेस आती है, एक मॉइस्चराइज बना रहता है और ग्लो लाना स्टार्ट कर देता है। खासकर गर्मियों में इस साबुन का इस्तेमाल करने से आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जो खासकर फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं वो इस साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो बॉयज़ हो। इस सॉप का इस्तेमाल करने से आपको भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें फेस इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, फेस को ब्राइट करने जैसे इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं, फेस को ग्लो कर देते हैं 18 दिनों के अंदर ही। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले फिर से एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को अच्छी तरह से, अगर आपके फेस पे फेस प्रॉब्लम है जैसे एक्ने है, पिंपल है या कुछ भी फेस प्रॉब्लम है तो ही आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल कीजिए, और जो लोग अपने फेस पे ग्लो लाना चाहते हैं वो पियर साबुन का इस्तेमाल कीजिए। अब भाई आपको पता है कि भारत जैसे देश में तो बुद्धिजीवी बहुत ज़्यादा पड़े हैं, बहुत लोग के सवाल में, बहुत लोग के माइंड में क्या ये खुफिया राज चल रहा होगा, बहुत सोच रहे होंगे कि मैं दोनों साबुन का इस्तेमाल करूँगा ताकि मेरे फेस पे ग्लो भी आ जाएगा और फेस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर दोनों साबुन का इस्तेमाल एक साथ करते हो तो आपकी जो फेस प्रॉब्लम है वो घटने की जगह बढ़ जाएगी, गोरा होने की जगह भाई पता नहीं किस किस तरह के आपके फेस पर धब्बे से छूट जाएंगे। इसलिए आप एक टाइम पे एक ही फेस को, एक ही प्रॉब्लम को खत्म करें। अगर आपके फेस पे प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल, तो डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को पहले खत्म कीजिए, एंड देन उसके बाद ही आप पियर साबुन का इस्तेमाल करके अपने फेस पे ग्लो लाइए। तो दोस्तों इस बात को खास करके आप ध्यान ही रख के अलग अलग तरह के साबुन का इस्तेमाल कीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी। तो भाई यहां तक अगर आप आ ही चुके हो ना भाई, तो अपने भाई को सपोर्ट करके जरूर जाइएगा। भाई नीचे जो प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन दबा के उसे प्रेस करके जरूर जाइएगा, ताकि अलग अलग तरह की और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको वीडियो मिल सके। अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए, भाई आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कैसे लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल का नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।